फ्रेंड्स, वेलकम टू द एवरग्रीन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सॉस। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 200 ml दूध लिया है। इसमें से कुछ दूध मैंने बचा लिया है, तो इसे पहले हम गर्म करेंगे। तो अपना गैस हम ऑन करते हैं और इसे मैं धीमी आंच पे रख लेती हूँ। तब तक ये गर्म होगा, तब तक मैंने ये चीनी लिया है। इस स्पून से मेजर करके मैंने 6 चम्मच चीनी लिया है और सेम स्पून से मेजर करके मैंने 4 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर लिया है। कोकोआ पाउडर आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए, ऐसा डब्बा मिलता है इसका, ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। तो सबसे पहले मैं मैदा और कोकोआ पाउडर को मिक्स करूंगी और ये चीनी मैं दूध में डाल दे रही हूँ। ये साथ साथ मेल्ट होता रहेगा। इसमें हमें चीनी को पीस के लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीनी इसमें अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। अब इसे हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद दूध से हम इसको एक घोल बना लेंगे, ताकि जो लम्स हैं वो ना आए इसमें। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप एक अच्छा सा घोल रेडी कर लें। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसका अच्छा सा घोल अच्छे से बना लिया है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इस घोल को, दूध भी हमारा गर्म हो चुका है, चीनी मेल्ट हो रही है इसमें, साथ ही साथ इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड कर देंगे और कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें। तो ऐसे आप आराम से चलाते रहें इसे। और इसी में मैं 1 टेबलस्पून ये बटर ऐड कर रही हूँ। ये बटर ऐड करने से एक तो शाइन आएगा बहुत अच्छा सा हमारा चॉकलेट सॉस में, और टेस्ट भी इससे अच्छा होगा। अब इसे हमें कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे चलाना है। सॉस अपने आप गाढ़ी होने लगेगी। अभी सॉस बहुत पतली है, तो ऐसे ही कंटिन्यू आप इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते रहें। फ्रेंड्स, ये देखिए, सॉस हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। ये 1/2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सॉस में। और ये सॉस आप कई चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड कॉफी बनाने में, केक बनाने में, तो आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, सॉस हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है और आप इसे कंटिन्यू चलाते रहे, वरना सॉस नीचे लग जाएगा। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये कैसा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे अब हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि हमारा सॉस कितना गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, सॉस हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए, ये काफी गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल मार्केट के सॉस की तरह बना है और बहुत टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, ये सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हुई है। ये देखिए, और आप इसे फ्रिज में रख के काफी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे एक टाइट कंटेनर में रख लें और 2 to 3 वीक आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कुछ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।